अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि यार सारे भाई ठीक ठाक हो गए, खुश हो गए और फिट हो गए। तो यार अभी हुआ है सुबह का टाइम और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है यार। ये चेक करें, बादल शादल आए हुए हैं। तो अभी मैं आया हूँ यार, 11:30 बजे का टाइम है, अभी मैं आया हूँ छत पर। अभी जो हमने करना है यार, वो सबसे पहले ना ये जो खुड्डा है ना, इसको आगे से साफ़ करना है, क्योंकि कल बारिश हुई थी ना, फिर वो बिट्ठे जो होती हैं ना, वो मतलब कीचड़ वो अजीब सा बन जाता है, बारिश भी होती रहती है, तो जिसकी वजह से ना यार मसला होता है दाना डालने में। तो सबसे पहले जो हमारा काम है ना यार, वो यहाँ से यार झाड़ू मारना है, ये साफ़ करना है। चलो यार मैं ज़रा आपको साफ़ करके फिर मिलता हूँ। तो यार ये हमने जो जगह जो है ये देख सकते हैं आप, ये साफ सुथरी कर ली है यार। ये देखें जी, जगह आराम में साफ सुथरी हो गई है। और अभी यार हमने जो काम है हमारा, हमने पानी इनको डालना है, ये पानी में डाल लूं। ये पानी डाल दिया यार इनको, और अभी ये वाली साफ करनी है। ये इधर उड़ाई वाले कबूतरों को भी यार पानी छानी रख दी है। ये तो ये ना यार मैंने थोड़ा थोड़ा इनको ना दाना डाल दूं, क्योंकि बच्चे इनके निकले हुए हैं अंदर, जिसके लिए ज़रूरी है इनको दाना शाना डालना, क्योंकि फिर बच्चे जो होते हैं वो कमज़ोर पलते हैं। ये जी देखें दाना शाना डाले, दाना कितनी स्पीड से खा रहे हैं, भूखे हुए थे यार। इनको भी नीचे थोड़ा बहुत दाना डाल देता हूँ मैं। ये तो यार मैं लेके आया हूँ आज नेस्टिंग मटेरियल, ये चेक करें, नेस्टिंग मटेरियल लेके आया हूँ यार। वो बच्चे निकले हुए थे नीचे, वो जो थे ना उसे क्या कहते हैं बच्चे नीचे, फिर उसकी टांग यार, वो एक पिछली बार भी आपको बताया था कि बच्चा निकला था और उसकी जो टांग थी ना वो नीचे पेटी में फंस गई थी, जिसकी वजह से यार वो जो था वो मर गया था, उसकी टांग फंस गई, मतलब फिर बेचारा जो था ना काम ख़राब हो गया था, उसकी टांग फंस गई, वो यार टांग ख़राब हो गई थी उसकी। तो इसलिए यार मैं आज लेके आई हूँ नेस्टिंग मटेरियल, उसके नीचे रखूँगा ना तो फिर ही कुछ काम शाम होगा। ओहो थोड़ा सा उठा लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल उठाया आप, ये चेक करें यार नेस्टिंग मटेरियल ले आया हूँ मैं।
यार मिल रहा ही नहीं था, बड़ी मुश्किलों से मिला ये, तो मैंने क्या यार ले जाता हूँ आज। यार जिस बात का डर था यार वही हुआ यार, नहीं मर गया यार। ये चेक करें यार बच्चा, मैंने रात को बच्चा निकला था यार, मैंने कहा कि कोई नहीं सुबह जाके नेस्टिंग मटेरियल ले आऊंगा, लेकिन फिर भी यार देखो उसकी टांग शांग किधर फंसी है, और यार ये मर गया, काम खराब भी हो गया यार। शिट, मैं जिसके लिए लेके आया था वो बेचारा मर ही गया। चलो यार इसको यहाँ रखता हूँ, फिर जाके ना उसको वहाँ। हाय हाय हाय, चलो यार फिर भी रख देता हूँ यार, दोबारा अंदर देगी ना फिर कुछ हो जाएगा यार। अभी के लिए इसको यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे ही। देखते हैं क्या पता यार निकाल ही दे, इसमें बच्चा है लेकिन इसमें से नहीं निकाला, मुझे नहीं लगता यार अब निकालेगी। थोड़ा सा और नेस्टिंग मटेरियल यार उठाता हूँ मैं, ये यहाँ से थोड़ा सा और जाके यार उसकी पेटी में, ये एक पेटी है यार जिसमें ऐसा काम होता है, बाकियों में इतना मसला नहीं है नेस्टिंग मटेरियल का, ये एक ही है यार जिसमें मसला होता रहता है बस। अब ये इसमें भी रख दिया यार, अब इंशाल्लाह ऐसा कोई काम नहीं होगा। मैंने सोचा था यार जाऊंगा ऊपर अभी आराम से ना रखाऊंगा नेस्टिंग मटेरियल, तो ये यार रख दिया है। चलो यार अब क्या हो सकता है, नेस्टिंग मटेरियल लेके आया था लेकिन किसी काम का नहीं हुआ, जिसके लिए लाया था यार वो बच्चा ही मर गया। चलो यार कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी, अब क्या कर सकते हैं, नुकसान ही हो गया, बेचारा छोटा सा था मर गया यार, क्या करे यार बंदा, अब होता रहता है यार नुकसान भी, साथ ही जिंदगी का हिस्सा ही है नुकसान भी, चलता रहता है। तो अभी इनको दाना शाना डाला यार, ये खा रहे हैं जी दाना। अभी जाके चेक करते हैं एक और जगह भी बच्चे निकले हुए थे इस पेटी में, इसमें चेक करते हैं यार बच्चे कैसे हैं, ठीक हैं क्या, कोई मसला शसला ऐसा वैसा ना हो। ये है बच्चा यार इसके नीचे, तो यार इसके नीचे भी है कि बच्चा है, इसका भी लगता है एक बच्चा किधर मर गया, जो एक अंडा इसमें निकाला था इसका मुझे नहीं पता यार, इसको मैंने देखा बहुत कम था। और ये यार ऊपर बच्चे निकले हुए हैं यार, का अब इनकी ना ब्रीडिंग नहीं लेनी यार, क्योंकि इनके देखें ये दाने निकले हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा काम खराब हुआ हुआ है यार। ये ऊपर भी एक बच्चा ये देखें निकला हुआ है इसको भी, लेकिन ये अभी बचत में है। तो यार अभी जो इनका काम है ना, ये 2 महीने ना इनसे ना ब्रीडिंग नहीं लेनी, क्योंकि मच्छर होते हैं बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे मच्छर होते हैं, जिसकी वजह से इनके मुंह पे मच्छर वो काटते हैं और दाने निकल आते हैं यार। तो अब काम खराब ही है यार, अब क्या बंदा करे। चलो इनकी ब्रीडिंग अब हम नहीं लेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा यार कि इनकी ब्रीडिंग लें हम या नहीं लें, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा यार लेनी चाहिए, क्योंकि आगे ही बच्चे वो देख सकते हैं उनके मुंह पे दाने निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम खराब हुआ है। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए यार अल्लाह हाफिज़।